हेलो नमस्ते एंड वेलकम आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू में आप हैं मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम पढ़ेंगे आर एस रिविजन सीरीज़ में कुछ टॉपिक्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट देखो इसमें मैंने थोड़ा सा स्टैटिक का फ्लेवर भी डालने की कोशिश करी है मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जो स्लाइड में मेंशन नहीं है लेकिन आप इसको अगर आपको नहीं पता तो आप एक्स्ट्रा नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि जनरली वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने अगर कहीं पढ़ी भी एक बार तो आपके दिमाग में घुस जाती हैं तो मैंने इसको यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा नहीं है बट आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं तो आइए अब हम शुरू करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होएगा क्योंकि चीताज लाइन्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हम

सॉरी हमारे यहाँ हंड्रेड नेशनल पार्क है लगभग अराउंड फाइव हंड्रेड से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं अगर आपसे कोई पूछे टाइगर रिजर्व कौन कितने हैं तो अब फिफ्टी टू टाइगर रिजर्व हो गए हैं और इनफैक्ट प्राउड की बात यह है कि फिफ्टी सेकेंड टाइगर रिजर्व जो है वो अपने राजस्थान में ही बनाए ठीक है जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है राजस्थान वाला ही है इसके अलावा आप देखोगे अपने यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व ये चारों चीजें प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आती है ठीक है अब आप देखोगे कि इंडिया पहली कंट्री थी वर्ल्ड में ये याद रखना है इंडिया पहली कंट्री थी पूरे विश्व में जिसने वाइल्ड लाइफ को लेके एक प्रॉपर अलग से कोई एक्ट लागू किया हो कोई लेजिस्लेशन लागू किया हो कोई स्टैट्यूटरी प्रावधान आप देखोगे पास किया हो तो वो था हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन इनफैक्ट अगर आप वर्ल्ड लेवल पर देखोगे तो आपको पता होगा कि नाइनटीन में अपनी यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन एनवायरमेंट वाली कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें आप देखोगे अपना यूएनईपी निकल के आता है तो जिस टाइम पे पहले वर्ल्ड में वर्ल्ड लेवल पे आप देखोगे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हो रही थी उस समय आप देखोगे इंडिया ने तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास भी कर दिया था ठीक है अब आपको ये बताना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ एज अ सब्जेक्ट ठीक है ये जो था फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया था ठीक है कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है इसमें स्टेट और सेंटर दोनों काम कर सकते हैं इसीलिए आप देखोगे कि हमारे यहाँ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्टेट और सेंटर no दोनों भी नोटिफाई कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर एक बार आपने नोटिफाई कर दिया सपोज आपने नेशनल पार्क की बाउंड्री डिसाइड कर दी तो उसके बाद अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो फिर आपको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो बेसिकली आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक हाइएस्ट लेवल की बॉडी है जो प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप के अंदर बनाई जाती है उसकी परमिशन लगती है आप बिना उसकी परमिशन के आपने ये नेशनल पार्क वगैरह के बाउंड्रीज चेंज नहीं कर सकते ठीक है ऐसा नहीं है कि नेशनल पार्क उठा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दो जब मर्जी आएगी ऐसा नहीं कर सकते आपको नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की परमिशन लगती है ठीक है ये तो कुछ बहुत बेसिक सा चीज़ था इसके अलावा एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ इसके अलावा आप देखोगे कि एक्चुअली पहले तो एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में ही देख लो इसके अंदर याद रखना मोटा मोटी छः शेड्यूल्स होते हैं और जिनका काम क्या होता है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स मतलब पहले इसमें बटरफ्लाई मॉथ स्पीशीज वगैरह नहीं थी बाद में इसमें ये भी ऐड कर दी गई थी तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप देखोगे छः शेड्यूल्स होते हैं ठीक है शेड्यूल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब इसमें क्या होता है जैसे 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 शेड्यूल वन है तो उसको हाईेस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा शेड्यूल टू को शेड्यूल वन टू को हाइएस्ट प्रोटेक्शन मिलता है थ्री फोर को थोड़ा कम प्रोटेक्शन मिलता है फाइव में आपके वो स्पीशीज होते हैं एनिमल स्पीशीज जिनको आप किल कर सकते हो जिनको हम वर्मेन बोलते हैं करेक्ट है अब जिसमें आपके रैट्स माउस और ये सब आ जाएंगे ठीक है जिनको मतलब आपको परमिशन दी जाती है सेंटर के द्वारा आप ऐसे बोल सकते हो कि आप इन एनिमल्स को किल कर सकते हो ठीक है और सिक्स होते हैं कुछ प्लांट्स जो आप नहीं उगा सकते विदाउट परमिशन जिसमें रेड वेंडा ब्लू वेंडा और ये सब आपके ऑर्चर स्पीशीज और ये सब आ जाएंगे ठीक है तो ये तो हो गया मोटा मोटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही आपने प्रोटेक्टेड एरियाज स्टैब्लिश करने की बात करी थी जो मैंने आपको शुरू में बताया ना नेशनल पार्क्स हो गए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए कंजर्वेशन रिजर्व हो गए कम्युनिटी रिजर्व हो गए इवन टाइगर रिजर्व भी आप देखोगे इसी के अंदर आएंगे ओके अब आप एक और चीज याद रखना बायोस्फेर रिजर्व करके जो एक कॉन्सेप्ट है वो यूनेस्को मैन एंड बायोस्फेर प्रोग्राम जो था जो नाइनटीन के आसपास स्टार्ट हुआ था सेवेंटी में प्रिसाइसली तो ये उसके अंदर का कॉन्सेप्ट है ठीक है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आता ओके नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व जनरली क्या होता है उसमें एक होता है कोर एरिया और उसके आसपास का होता है एक बफर एरिया ठीक है कोर एरिया जो होता है वो याद रखना सिर्फ एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए होता है वहां पर आप कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकते विदाउट अगर आपका मतलब कुछ और करना ही है आपको जबरदस्त से रिसर्च वगैरह करना है तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन के बिना जो स्टेट का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है उसके बिना आप ये नहीं कर सकते जो बेसिकली आपके फॉरेस्ट सर्विस के थ्रू सुन के आए जाते हैं ठीक है थीके? तो एक कोर एरिया हो जाता है और एक बफर बफर में आप देखोगे आपका टूरिज्म और आपके हम बोलते हैं सफारी जीप वगैरह वो सारे बफर जोन में जाते हैं कभी कोर, कोर जोन में नहीं जाते बायोस्फीयर रिजर्व में याद रखना एक कोर एरिया होता है एक बफर एरिया होता है और एक आपका ट्रांजिशन एरिया होता है ठीक है तो ये आपका Uh, मोटा मोटा जितना मैं बता सकती थी आपको मैंने उतना बता दिया अब यहाँ पे मैंने पूरी रामायण बताई क्यों है एक्चुअली होता क्या है यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है इको सेंसिटिव जोन का ठीक है अभी इको सेंसिटिव जोन बच्चों को लगता है क्योंकि एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास बनाए जाते हैं तो उनको लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू आया होगा जो तो आंसर गलत है ये जो कॉन्सेप्ट है ये आता है आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जैसे हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का वैसे हमारे पास इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का

देखो सपोज करो ये आपका नेशनल पार्क है ठीक है अभी मैं कोर बफर नहीं कर रही सपोज करो ये पूरा नेशनल पार्क है ठीक है अब होता क्या है कि नेशनल पार्क के अराउंड आपको पता है अब नेशनल पार्क तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन हो जाएगा यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते और एकदम से यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंट विलेजेस और कम्युनिटीज होंगी तो यहाँ पे आप कुछ भी अलाउ कर सकते हो तो यहाँ पे कोई बफर जोन तो होना चाहिए ना जहाँ पे वो वाला बफर नहीं जो नेशनल पार्क के अंदर है वो तो इसी के अंदर इंक्लूड हो गया ठीक है ये कोर है ये बफर है सब आ गया लेकिन ये वो एरिया है जो आप नेशनल पार्क के या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के या प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास का एक एरिया होता है जहाँ पे आप बेसिकली एकदम से उसको पूरा खोलना नहीं जाते नहीं तो क्या होगा थोड़े थोड़े थो, थो, थोड़े दिनों बाद आप देखोगे जैसे अगर एनिमल्स बाहर की तरफ आए तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा तो ये वो एरिया होता है जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है कि एकदम से आप देखोगे हाइएस्ट प्रोटेक्शन से एकदम बिना प्रोटेक्शन वाले एरिया में जा रहे हो आप तो ऐसा नहीं हो कि एकदम से शॉक हो जाए तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है ठीक है तो ये जनरली आप देखोगे एक से दस किलोमीटर के बीच में कोई कितना भी बड़ा एरिया हो सकता है कोई लिमिटेशन नहीं है जनरली आप देखोगे एक से दस किलोमीटर का तक का एरिया आप इगो सेंसिटिव जोन अलॉट करते हो ये इगो सेंसिटिव जोन जो होता है इसका कॉन्सेप्ट पहली बार पे इंप्लीमेंट किया गया था कर्नाटका के बांदीपुर में बाधीपुर नेशनल पार्क बोलो टाइगर रिजर्व बोलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलो वहां पे ये कॉन्सेप्ट लाया गया था ठीक है उसके बाद आप देखोगे काफी पॉपुलर कॉन्सेप्ट हो गया था ओके तो इको सेंसिटिव जोन किसके अंदर आते हैं आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये हमें गड़बड़ नहीं करनी है अब आ जाओ अपनी मेन हेडलाइन के ऊपर वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है अपनी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री उन्होंने बेसिकली अपना ये वाला जो मुकुंडा टाइगर रिजर्व नहीं है कोटा बूंदी वाला रीजन तो उसके अराउंड एक एक किलोमीटर के एरिया को उन्होंने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है अब देखो सेंचुरी चाहे कहीं भी हो पॉइंट ये है कि उसके आसपास का अगर आप एक से दस किलोमीटर का एरिया लोगे तो उसमें कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ का ये वाला जो हिस्सा होता है ना चित्तौड़गढ़ अपना ऐसे यहाँ पे और फिर यहाँ पे भी है झालावाड़ तो, तो ये सारे एरियाज आ जाएंगे ठीक है और अगर हमें हाँ बात करनी हो इसकी मुकुंडा हिल टाइगर रिजर्व की तो मुकुंडरा हिल टाइगर रिजर्व का अगर आप देखोगे एरिया लगभग अराउंड ढाई सौ किलोमीटर स्क्वायर का होता है पचहत्तर गांव इसके अंदर आते हैं और याद रखना जब भी आप किसी एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करते हो तो उसमें आपका आइडिया क्या रहता है कि आपको कुछ एक्टिविटीज है जो उसके अंदर अलाउ ही नहीं करनी है जो बेसिकली आप बोल सकते हो कि प्रोहिबिटेड होती है जैसे आपका माइनिंग हो गया कि आपको पॉल्यूशन डंपिंग हो गया तो ये सब आप चीजें यहाँ पे अलाउ नहीं करते हो ठीक है कुछ एक्टिविटीज होती है जो रेगुलेटेड होती है जो अलाउड तो है लेकिन उनको आप रेगुलेट करोगे जैसे फेलिंग ऑफ ट्रीज कि भाई एक हद तक ये ट्रीज गिरा सकते हो उसके ज्यादा नहीं ठीक है और कुछ चीजें होती है जो अलाउड होती है जिनको आप बोलते हो परमिटेड जैसे आपका रिन्यूएबल एनर्जी हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया तो इसके लिए आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं है और कुछ रेगुलेशन भी नहीं है ठीक है तो इको सेंसिटिव जोन में आप कर क्या रहे हो बेसिकली आपने ब्रांडिंग कर दी एक्टिविटीज की ताकि कुछ एक्टिविटीज अलाउड हो और कुछ एक्टिविटीज अलाउड नहीं हो ठीक है फिर हम चलते हैं अपने सेकेंड आर्टिकल की तरफ जो है आपका पेन किलर्स वर्सेज सेविंग रैप्टर्स देखो रैप्टर्स क्या होते हैं ये वो बर्ड्स होती हैं जो बहुत तेजी से फ्लाई करती हैं है ना आपको भी पता होगा कि अपना इंटरनेशनल लेवल पे एक बॉन्ड कन्वेंशन एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग कन्वेंशनल माइग्रेटरी स्पीशीज भी कहते हैं ठीक है और इसी के अंदर एक रैप्टर्स एमओ भी आता है जो इंडिया ने साइन कर रखा है जो कि नॉन बाइंडिंग वॉलन्ट्री इंस्ट्रूमेंट होता है रैप्टर्स को प्रोटेक्ट करने का ठीक है अब रैप्टर्स में जैसे आपका ईगल्स वर्चर्स ये सारे आपके रैप्टर स्पीशीज कहलाते हैं ओके अब ये आर्टिकल किस चीज के बारे में आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो वल्चर्स हैं ठीक है उनमें नेक ड्रॉपिंग का एक सिनारियो देखा गया जिसके जैसे बाद में उनकी डेथ हो जाती है है ना तो ये नेक ड्रॉपिंग हो कि रही है बिकॉज एक्चुअली होता क्या है कि वल्चर्स आपकी स्कैवेंजर्स होती हैं जो बेसिकली डेड डेड एनिमल्स वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह पे फीड करती हैं अब जनरली आप देखोगे कैटल्स वगैरह पे फीड करती हैं अब आपकी जो कैटल्स हैं इनको बेसिकली जब भी कोई पेन वगैरह होता है तो इनको एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स दिए जाते हैं अब उसमें से एक ही ड्रग एक ड्रग का नाम था डाइक्लोफिनक ठीक है जो आप देखोगे कैटल का पेन जैसे हमारे पेन किलर्स होते हैं ना आपका ये सब चीजें वैसे आप देखोगे आपके कैटल्स का पेन किलर कौन था डाइक्लोफेनाक तो आपने कैटल को दे दिया कैटल का आराम तो हो गया लेकिन कैटल जब एंड ऑफ लाइफ पे पहुंचा उसकी डेथ हो गई उसके बाद जब वल्चर ने उसको खाया तो ये डाइक्लोफेनाक उनके शरीर के अंदर चला गया ठीक है अब आपने एक बायो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट का नाम सुना होगा बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है जैसे जैसे आप फूड चेन में ऊपर की तरफ जाते हो जैसे आपकी फूड चेन ऐसी होती है करेक्ट है तो यहाँ पे सपोज करो आपका प्लांट है फिर आपका स्मॉल कोई एनिमल हो जाएगा सपोज आ, कोई इंसेक्ट है या है ना फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपका डियर है और फाइनली आ, सपोज कर लो आपका लायन है ठीक है तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो फूड चेन में तो क्या होता है कि सपोज करो प्लांट में तो जो टॉक्सिक कंपाउंड था उसका जो परसेंटेज था तो सिर्फ एक परसेंट था फिर यहाँ पे पहुंचते पहुंचते तो दस हो गया उसके ऊपर आप देखोगे सौ और फिर ऊपर पहुंचते हुए हजार इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप फूड चेन में ऊपर की तरफ जाओगे लोअर लेवल से हायर लेवल्स की तरफ जाओगे तो आपको पता लगेगा कि जो पल्यूटेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन मैं एब्सोल्यूट अमाउंट में बात कर रही हूं मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रही हूं मतलब उसके बॉडी का वेट या उसके बॉडी का हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं तो ये बायोमैग्निफिकेशन के प्रोसेस वजह से आप देखोगे वल्चर्स में डाइक्लोफेनाक घुस रहा था और उनकी बॉडी के हिसाब से वो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, था इस वजह से आप देखोगे वल्चर्स की डेथ हो रही थी ठीक है तो ये एक हार्मुल था जो वल्चर्स को नुकसान पहुंचा रहा था ऑल दो आपके लिए फायदेमंद है लेकिन वल्चर्स को नुकसान पहुंचा रहा है तो इसको बैन करने की बात करी गई थी ठीक है लेकिन आप फाइनली आप देखोगे कुछ साइंटिस्ट ने ये देखा है कि जो जोरबी जो वाला एरिया नहीं है जो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है राजस्थान में तो वहां पे आप देखोगे की कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि दो और ड्रग्स है डाइक्लोफेनैक के अलावा एक एक्लोफेनाक है और एक कीटोप्रोफेन है कीटोप्रोफेन प्रोफेन आप देखोगे बांग्लादेश में काफी यूज किया जाता था और वहां पर अभी ये बैन कर दिया गया है तो आप देखोगे इंडिया में भी इसको बैन कर देना ही चाहिए तो एक्लोफेक और कैप हो जाएगा ये भी इक्वली टॉक्सिक है वाइट एक्लोफेक जैसा काम करते हैं और वल्चर्स को नुकसान पहुंचाते हैं तो इनको बैन करने की बात की जा रही है अब आप बोलोगे कि मैम कैट क्या ऑब्वियसली अगर आप हमारे सपोज करो कि अगर आप पैरासिटामोल बंद कर देते तो कोई ऑल्टरनेटिव भी तो दोगे करेक्ट है ना तो इसका अगर आप देखोगे तो ऑल्टरनेटिव जो अः कैम करके एक दवाई होती है वो बेसिकली आप देखोगे वल्चर्स को नुकसान नहीं पहुंचाती तो वो सजेस्ट करी गई है कि आप इसको मार्केट में ले आओ ठीक है फिर हम चलते हैं अपने थर्ड आर्टिकल की तरफ जो है आपका चीता का री इंट्रोडक्शन चित्तौड़गढ़ में फिजिबिलिटी रिपोर्ट सर्वे किया जा रहा है बेसिकली देखो सबसे पहले हम आगे बढ़े उसके पहले चीता अब होता क्या है हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूं टाइगर या टाइगर जैसे दिखने वाली स्पीशीज ठीक है जो आपका पैंथेरा वाला वो नहीं होता है आ, क्या बोलते हैं इसको डोमेन तो उसके अंदर जो आएगा आपका ठीक है तो इसमें आप देखोगे जैसे टाइगर हो गया लेपर्ड हो गया पैंथर हो गया अब उसमें भी ब्लैक पैंथर हो गया ठीक है इसके बाद आपका लायन हो गया फिर आपका चीता हो गया ठीक है आपका क्लाउडेड लेपर्ड हो गया और आपका स्नो लेपर्ड अब हाँ <laughs> बोल रहे होगे कि की मैम क्या लिखा है तो ये देखो ये ना सारी एक दूसरे से मिलती जुलती एक ही प्रजाति की कैट स्पीशीज होती है ठीक है तो टाइगर लेपर्ड क्लाउड लेपर्ड स्नो लेपर्ड चीता लायन ब्लैक पैंथर और पैंथर ठीक है ये सारी भाई एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं ओके अब इन सब के बारे में बताने बैठे तो चार पांच घंटे लग जाएंगे लेकिन हम यहाँ पे चीता ले लेते हैं अब देखो चीता जो है वो आपको पता होगा कि फास्टेस्ट लैंड मैमल है ये लै, सॉरी लैंड एनिमल है ये अपने प्लान का ठीक है बहुत तेज भागता है इससे तेजा भाग नहीं सकते अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चीता याद रखना आपका फ्लैगशिप स्पीशीज है या आपका फाउंडेशन स्पीशीज भी होता है किसका आपके अः uh... ग्रास लैंड या स्क्रबलैंड जो होते हैं उनका जो ड्राई डेसिडुअस टाइप के जो आपके ओपन ग्रास लैंड होते हैं स्क्रब स्क्रबलैंड होते हैं वहां पे आपको चीता दिखेगा आपका फ्लैगशिप स्पीशीज चीता कभी भी आपको फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट वगैरह में नहीं मिलेगा टाइगर एक बार को फिर भी मिल जाएगा लेकिन चीता आपको नहीं मिलेगा ठीक है अब चीता जो है पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली बहुत एक्सटेंसिव थे इंडिया में बहुत ज्यादा मिलते थे लेकिन आप देखोगे आई थिंक लास्ट जो चीता था वो शायद नौरा देरी नौरा देही में मिला था और वहीं पे आप देखोगे इसको किल भी कर दिया गया था हंटिंग करी गई थी और एक्सेसिव हंटिंग की वजह से कई बार आप देखते हो ना पुराने ब्रिटिशर्स वगैरह के घरों में ऐसे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं वो चीता को हंट करके उसकी स्किन के ऊपर खड़े और वो सब तो एक्सेसिव हंटिंग की वजह से आप देखोगे चीता जो थे वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए थे ठीक है इंडिया से तो एक्सटिंक्ट हो ही चुके हैं अब चीता की दो वेराइटी है एक है आपका एशियाटिक चीता और एक है आपका अफ्रीकन चीता समझ में आ रहा है आपको एशियाटिक चीता जो है आईयूसीएन स्टेटस के हिसाब से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और अफ्रीकन चीता जो है वो आईयूसीएन स्टेटस के हिसाब से वल्नरेबल है ठीक है एशियाटिक चीता पहले इंडिया में बहुत ज्यादा मिलता था इंडिया पाकिस्तान पूरा एरिया लेकिन एक्सटेंसिव हंटिंग वजह से अब चीता वहां पर ही नहीं चीता ओनली एंड ओनली एशियाटिक चीता जो है वो ओनली एंड ओनली ईरान में मिलता है आपको ठीक है और अफ्रीकन चीता काफी वाइडली पॉपुलर है नामीबिया हो गया आपका नीचे बोस्तवाना वाला रीजन हो जाएगा है ना तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा ठीक है अब इंडिया में हम लोग चीता को रीइंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं क्योंकि होता क्या है कि ये आप देखोगे प्रिडेटर एपिक्स प्रिडेटर होता है ठीक है एक्स्ट्रा ब्लैंड या ग्रास लैंड का तो ये तभी सर्वाइव करेगा जब आपका ये बेसिकली जो चीता होता है ये सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि आपके स्क्रब लैंड का या डेजर्ट का या ग्रास का एक इंडिकेटर स्पीशीज होता है अगर इसकी हेल्थ अच्छी इसका मतलब है कि पूरा को पूरा लैंड अच्छा है ठीक है तो इसको री इंट्रोड्यूस इंडिया में करने की बात की जा रही है ऑब्वियसली टूरिज्म पर परस्पेक्टिव से बोल सकते हो ग्रास ग्रासलैंड के परस्पेक्टिव से बोल सकते हो स्क्रबलैंड को मेन्टेन करने के पर परस्पेक्टिव से बोल सकते हो बायोडावर्सिटी और एनहांस करने के परस्पेक्टिव से बोल सकते हो तो चीता को री इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है अब ऑब्वियसली आपको साइड्स कुछ चुनने पड़ेंगे तो उसी में से आप देखोगे राजस्थान एक्चुअली राजस्थान एम गुजरात ठीक है ये कुछ ऐसी एरियाज हैं जहाँ पे आप देखोगे चीता का इंट्रोडक्शन पॉसिबल है यहाँ पे ऐसी साइट्स एग्जिस्ट करती थी जहा पे पास में भी चीता एग्जिस्ट करते थे और वापस रिंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं ठीक है तो नौरा दही आप देखोगे बहुत ही ज्यादा मैं बोलूँगी कंट स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का अगर आप प्रोजेक्ट लायन की बात करो अभी आपने सुना होगा रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में लॉन्च किए हैं नए प्रोजेक्ट है था ना थ्री में उसी के तर्ज में हमने ये दोनों प्रोजेक्ट भी लॉन्च करें आइडिया हमारा यही है कि हमें बेसिकली वही लायंस और डॉल्फिन वगैरह का कंजर्वेशन करना है ये सारी चीजें तो प्रोजेक्ट लायन के तहत ये भी बोला जा रहा है क्योंकि अभी सिर्फ गुजरात के गिर एरिया के <laughs> आसपास ही आप देखोगे लायंस है और ये लास्ट रेफ्यूज स्पीशीज है एशियाटिक लाइन

चीताशन की साइट है ठीक है मतलब पॉसिबल साइट है ओके इन फैक्ट आप देखोगे पहले चीता को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने ना आपको डेजर्ट ओपन स्क्रब आप प्रेफर्ड इनका आ, डेस्टिनेशन होता है तो इसमें आप देखोगे पहले जैसलमेर को एक्चुअली ये किया जा रहा था चूज किया जा रहा था लेकिन जैसलमेर ने आपको बताया ना अभी बहुत तेजी से धड़ल्ले से आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है वहां पे बी एस एफ फोर्सेस भी वो इंटरनेशनल बॉर्डर को गार्ड करती है तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऑब्वियसली आप सोचो कोई बी एस एफ गार्ड कर रहा हो और सडनली सामने चीता आ जाए मतलब हक्के बक्के हो जाएंगे है ना तो मना कर दिया इंट्रोड्यूस तो करो कहीं और कर लो ठीक है अब देखो चीता के बारे में इवन कुनो को सेलेक्ट किया इंट्रोडक्शन ऑफ चीता बट का याद रखना नाम आपको प्रोजेक्ट से ज्यादा एसोसिएटेड मिलेगा ठीक है अब इंडिया में जब हम ये चीता को रिइनट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम कौन से वाले चीता ला रहे हैं ईरान से नहीं हम लोग अफ्रीका से चीता लेके आ रहे हैं नामीबिया से ठीक है और ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ उन्नीस के आसपास चीताज होंगे जो यहां से वहां शिफ्ट करे जाएंगे ओके अः मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अब है ना देखो एक तरफ तो जो सरकार है आप देखोगे कोशिश कर रही है कि चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जाए एक तरफ आप देखोगे बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में जो मतलब रुचि रखते हैं वो वाले लोग हो गए कुछ एनिमल लवर्स हो गए वो उन्होंने कैंपेन चालू किया जो है से नो टू चीता कैंपेन ये बेसिकली क्या है कि वो मना कर रहे हैं कि चीता को रिंट्रोड्यूस मत करो मुकुंडा हिल्स टाइगर रिजर्व में क्यों क्योंकि बोल रहे हैं कि मुकुंडा ऑलरेडी टाइगर का एक अच्छा हैबिटेट बन चुका है वहां पर टाइगर्स रीइंट्रोड्यूस करे गए थे ठीक है खत्म होने के बाद और अब वो अब आप देखोगे काफी अच्छे से थ्राइव कर रहा है अब अब टाइगर भी एपिक्स स्पीशीज होता है और आपका चीता भी एपिक्स होता है है तो तो अगर दोनों आपस में क्लैश कर जाएंगे तो हो सकता है कि इकोसिस्टम उतना अच्छा नहीं रहे टाइगर की कंजर्वेशन में आपको प्रॉब्लम आए तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इसलिए से नो टू चीता कैंपेन ओके अब ओके okay, अब चीता के बारे में तो पढ़ लिया अब ये जो आपको आर्टिकल दिख रहा है ना ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आप देखोगे रिसेंटली मैंने आपको बताया था ना कि राजस्थान हैज बिकम स्टेट uh, जहां पे फोर टाइगर रिजर्व होंगे और साथ में फिफ्टी सेकंड टाइगर रिजर्व जो होगा इंडिया का ठीक है जिसको हम लोग रामगढ़ सेंचुरी बोलते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रामगढ़ विजधारी सेंचुरी जो है राजस्थान में फिफ्टी सेकंड टाइगर रिजर्व बन के आएगी मैंने आपसे पूछा था लेकिन इसके पहले मैं मैं आंसर भी दे रही हूँ आपको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कभी भी कोई टाइगर रिजर्व जब आप देखोगे आप बताते हो या किसी एरिया को एलिनेट डी सॉरी डिलिमिट करते हैं टाइगर रिजर्व तो इसमें होता क्या है कि एन की परमिशन वगैरह रखती है प्रॉपर सर्वे किया जाता है देखा जाता है कि क्या ये एरिया सुटेबल है क्या इसमें प्रे डेंसिटी है क्या ये ऐसा रीजन है जहां पे आप देखोगे टाइगर स्थानीय से जी पाएंगे तो अभी हमारे पास राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है तीन कौन कौन से मुकुंडा टाइगर हिल रिजर्व वो कोटा वाला फिर आपका रंथमबो टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर वाला और आपका सरिस्का अलवर वाला ठीक है अब ये चौथा टाइगर रिजर्व हो जाएगा अपना अः क्या कहते हैं रामगढ़ विस्तारी वाला ठीक है अब देखो अब है ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप है ना एक इंस्टीट्यूट का नाम सुनोगे जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैसे आप एन का नाम सुनोगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी देखो ये याद रखना ये तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है नाइनटीन का उसमें आपने अमेंडमेंट किया था दो में तो तब आप ये देखोगे वाली बॉडी आती है इसको हेड कौन करते हैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट जो अपनी मिनिस्ट्री ने एनवायरमेंट फिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की तो उसके मिनिस्टर होते हैं ना वो इसको हेड करते हैं ठीक है काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है ये और इसकी परमिशन के बिना आप टाइगर रिजर्व वगैरह नहीं कर सकते टाइगर रिजर्व को मेंटेन करना और ये सब सारा इसका काम होता है ठीक है अब एक है आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो अगर किसी का फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका भी हेडक्वार्टर भी देहरादून में है और यहाँ से भी आप देखोगे आपको एक्सपोर्ट्स और ऑफिशियल आके ट्रेनिंग देते हैं ठीक है तो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया याद रखना एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट के अंदर स्टाबलिश किया गया था नाइनटीन के दौरान इतना आपको याद होना चाहिए वही है कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर कुछ रिसर्च करना कुछ आप देखोगे बायोडायवर्सिटी के बारे में करना मैनेजमेंट कैसे करना है मॉडलिंग कैसे करनी है नए नए आप देखोगे तरीके डेवलप करना काउंटिंग वगैरह के तो वो सब आप देखोगे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का काम है ठीक है अब हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं आपने बहुत सारे संसार चंद का नाम सुना है आपने आ, वैसे आपने वीरप्पा का नाम सुना होगा तो बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली वाइल्ड लाइफ क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं जो इलीगल आप देखोगे वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स को वाइल्ड लाइफ को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं ठीक है इसके लिए इनफैक्ट आप देखोगे यू एन ई पी यू एन ई पी और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये भी एक बॉडी है जो आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स के अंदर दो हज़ार छः में बनाई थी ठीक है तो ये आप देखोगे यू एन ई पी और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो साथ में मिलकर एक मतलब एक उन्होंने एक कैंपेन भी लॉन्च किया था ठीक है जिसके अंदर वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे अवेयरनेस डेवलप करना चाहते थे लोगों में जो स्मगलिंग होती है स्पेसिफिकली जैसे पैंगस हो गई कुछ लेजर्स वगैरह हो गई उनकी जो स्मगलिंग हो रही है उनको रोकने के लिए ठीक है अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ क्राइम्स की करेक्ट है तो ये तो बढ़ रहे हैं तो अगर सपोज करो कि आप कहीं पे जाते हैं आपको दिख रहा है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहा है तो आपके पास कोई रिपोर्टिंग का पोर्टल भी तो होना चाहिए या रिपोर्ट करने की कोई जगह होनी चाहिए तो बस वो जगह है आपकी कंट्रोल रूम ठीक है तो आप है ना कंट्रोल रूम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप कोई क्राइम या लीगल एक्टिविटी को रिपोर्ट भी कर सकते हैं ठीक है अब हम चलेंगे कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ देखो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो काफी पास में पड़ेगा आपके ये रामगढ़ विजधारी वाले एरिया से और ये कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी बड़ी सेंचुरी आपको पता होगा कुंभलगढ़ जो अपना एरिया होता है राजसमंद उदयपुर पाली अजमेर अजमेर नहीं नहीं ये बेसिकली आप देखोगे अः मतलब उस एरिया में आता है नीचे साउथ साउथ ऑफ़ राजस्थान के आसपास आता है ठीक है और ये याद रखना कि कुंभलगढ़ जो होगा अपना सेंचुरी अगर मतलब इसको भी कोशिश की जा रही है कि हम लोग डिक्लेयर कर दें एज अ टाइगर रिजर्व तो अगर ऐसा हुआ तो ये फिर फिफ्थ टाइगर रिजर्व बन जाएगा अपने स्टेट ऑफ राजस्थान का रामगढ़ विजारी आपको पता है कि फोर्थ है और फिफ्टी है और इसके बाद हो सकता है कि हम कुंभलगढ़ को भी फिफ्थ टाइगर रिजर्व बनाए ठीक है अब याद रखना हमारे यहाँ पे इंडिया में टाइगर सेंसस हर चार साल में होता है कंटिन्यूअसली तो 2006 फिर 2010 फिर 14 और फिर 18 ठीक है तो ऐसे करके हमारा टाइगर सेंसस होता है अगर मैं लायन सेंसस की बात करूँ या एलिफेंट सेंसस की बात करूँ तो ये सारे आप देखोगे पाँच पांच सालों में होते हैं ठीक है थीके? तो जैसे हमारा टाइगर का सेंसस हर no चार सालों में होता है उसका स्टेटस पता करने के लिए उसका प्रेबेस पता करने के लिए उसके को कोप्रेटर्स के बारे में पता करने के लिए वैसे ही आप देखोगे हमारे यहाँ पे हर चार साल में लेपर्ड स्टेटस का पता करने के लिए भी एक लेपर्ड का आप देखोगे पूरा सर्वे करवाया जाता है तो दो में आप देखोगे लेपर्ड का अपना स्टेटस रिपोर्ट आया था और उसके अंदर बेसिकली बताया गया था जैसे हमारे यहाँ पे टाइगर्स बढ़ गए ट्वेंटी टू हंड्रेड से ट्वेंटी नाइन हंड्रेड के आसपास पहुंच गए वैसे हमारे पास लेपर्स जो थे वो भी आप देखोगे समय एट थाउजेंड के आसपास थे चार हजार से ऊपर आप देखोगे लेपर्ड बढ़ गए हैं बारह हजार के आसपास हो गए ठीक है मैक्सिमम देखो हमारे यहाँ टाइगर्स कहां पे थे मैक्सिमम आपका एमपी फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तराखंड सॉरी एमपी फिर कर्नाटका और फिर उत्तराखंड करेक्ट है तो वैसे ही आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे लेपर्ड्स कहां पे सबसे ज्यादा है एमपी फिर आई थिंक हाँ एम आपके लेपर्ड सबसे ज्यादा कहाँ पे है आपके एमपी में और उसके बाद वापस से आप देखोगे नेक्स्ट टू स्टेट जो है वो कर्नाटक और उत्तराखंड है इवन दो इसका ऑर्डर मुझे लग रहा है शायद रिवर्स था बट फिर भी मैं कंफर्म कर दूंगी आपको पर याद करना है ठीक है तो हाइएस्ट आपके लेपर्स और चाहे टाइगर्स दोनों ही एमपी में ठीक है अब ये एक तो चीज हो गई फिर आप देखोगे लेपर्स का जो पोजिशन है वो काफी इंप्रूव हो रहा है इवन राजस्थान में भी आप देखोगे हमारे लगभग सेवन हंड्रेड लेपर्स एक्सिस्ट करती है उसमें से मैक्सिमम लेपर्स वही है जो टाइगर के साथ रहती है जो मतलब टाइगर का जो एरिया था है प्रोटेक्टेड एरिया वहीं पर मिलेंगे तो लगभग अराउंड पांच सौ लेपर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करू तो राजस्थान का टेंथ पोजिशन आता है इस लेपर नंबर ऑफ लेपर्स को जिसको हम बोलते हैं ना मैक्सिमम नंबर ऑफ लेपर्स को लेकर अगर मैं आपसे पूछू की इंडिया का कौन कितना प्रतिशत जोग्राफिकल एरिया प्रोटेक्टेड है तो लगभग अराउंड फाइव

पेड़ मिल देंगे उसके ऊपर या एकदम ही बहुत ही एरिड जैसे बिल्कुल डेजर्ट टाइप का एरिया हो गया वहां नहीं मिलेगा बाकी आपको हर जगह मिलता है ठीक है बहुत ही वाइल्डेबल स्पीशीज होती है टाइगर आप देखोगे जनरली एनिमल ह्यूमन पर अटैक नहीं करता ये ह्यूमन से अलग रहते हैं लेपर्स जो होते हैं ना वो ह्यूमन हैबिटेशन के साथ आपको मिल जाएंगे मतलब को हैबिट कर सकते हैं ये ठीक है क्योंकि ये क्या होता है गंदगी वगैरह में जो पायल होती है ना अपनी वेस्टेज वगैरह की उसमें मुंह मारते हैं और क्योंकि वहां पे इनको डॉग्स मिलेंगे और ये डॉग्स को खाते हैं तो इस चक्कर में आप देखोगे ह्यूमन हैबिटेशन में काफी ज्यादा तो जो कॉन्फ्लिक्ट दिखता है ना आपको वो टाइगर के साथ नहीं बल्कि आपको लेपर्ड के साथ देखने को मिलता है ठीक है फिर इसी लाइन पे आप देखोगे अभी एक नई है ना बटरफ्लाई की स्पीशीज आई थी डूंगरपुर में जो आइडेंटिफाई करी गई थी हम लोग बोलते हैं देखो जब भी भी आप जब आप, आपको ऐसे ओक लीफ या फिर आपका जजेल और गजेल नहीं, नहीं ऐसी कोई स्पीशीज हो जाएगी जनरली आप देखोगे बटरफ्लाई स्पीशीज होती है ठीक है तो वैसे आप देखोगे आपने वन थ्री टू एट अब कितनी सारी बटरफ्लाईज एग्जिस्ट करती है तो जेबरा स्कीपर करके आपने एक स्पीशीज है वो आइडेंटिफाई करिए डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से ठीक है इसी के तर्ज पर दो न्यू बटरफ्लाईज भी आइडेंटिफाई सप्लाई करी गई है और कहां से मिली है हमें ये रंथम्बोर रिजर्व से ठीक है ठीके? इनका नाम क्या था एक तो डक्कन ट्राइकलर पायट फ्लैट हो जाएगा और एक आपका स्पॉटेड स्मॉल फ्लैट ठीक है अब देखो जैसे फ्लैट हो गया चपटा क्या होता है बटरफ्लाई होता है तो बस आपको इसको ऐसे ही याद कर सकते हो कि चपटा मतलब बटरफ्लाई तो बटरफ्लाई की दो नई स्पीशीज ठीक है फिर आप देखोगे अः यहाँ पे ना एक्चुअली आपको पता होगा कि पहले राजस्थान से सरस्वती फ्लो करती थी ठीक है तो उसी के तर्ज पे आप देखोगे बीकानेर के आसपास के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे एक स्टडी करी गई थी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा जिन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले एक रिवर फ्लो करती थी जो अभी लॉस्ट हो गई है मतलब लगभग अराउंड दो लाख साल पहले एक लाख पचहत्तर हजार साल पहले यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती थी ठीक है और जो अभी जो प्रेजेंट रिवर बीकानेर वगैरह से फ्लो करती है उससे लगभग अराउंड दो सौ किलोमीटर दूर है ओके अब आपने लास्ट ईयर और लास्ट टू तो लास्ट ईयर एक बहुत ही दर्दनाक हादसे सुने होंगे जहाँ पे अट्ठारह हजार से बीस हजार बर्ड जो थी जो सांबर लेकिन विजिट विजिट करती है माइग्रेटरी स्पीशीज होती है जो दूर दूर से ट्रैवल करके फाइनली सांबर लेक के आस आपको देखने को मिलती है तो वो आप देखोगे उनकी डेथ हो गई थी है ना और ऐसा उसका कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा था बाद में बस रिसर्च करने के बाद टेस्ट वेस्ट करने के बाद पता लगा कि ये एवियन बॉटुलिज्म ये उसका प्रॉब्लम है और ये होता किससे है एक बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम उससे बेसिकली ये प्रॉब्लम होती है ठीक है तो अब ये ताकि प्रॉब्लम वापस रिपीट ना हो जो भी आपके सैलिटी के प्रॉब्लम थे जो चेंजेस हुए थे वो आपने सही से क्योर कर लिए होंगे ताकि दोबारा इतनी मास स्केल पर आप देखोगे कि कि किलिंग्स ना हो या माइग्रेटरी बर्ग मर नहीं जाए तो आप देखोगे कि राजस्थान के जो हाईकोर्ट उन्होंने तो लिया था इस इशू का और इसी के अंदर उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई है ताकि देख सको कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं ठीक है फिर आप देखोगे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट चीता लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग चीता को राजस्थान में लाने की कोशिश कर रहे हैं देखो चीता टाइगर लेपर्ड आ, लायन ये सारे एक जैसा ही आ, मतलब आप बोल सकते हो सॉर्ट ऑफ हैबिटेट को आ, मतलब एक एक जैसे हैबिटेट को ही प्रेफर करते हैं ठीक है स्क्रब स्क्रबलैंड हो गया ओपन ग्रास लैंड हो गया एकदम डीप फॉरेस्टेड रीजन नहीं करते हैं तो लगभग लगभग सेम रहता है तो अगर आप राजस्थान में चीता इंट्रोड्यूस कर सकते हो तो लायन तो पक्का ही इंट्रोड्यूस कर सकते हो क्या प्रॉब्लम है ठीक है तो इसलिए आप देखोगे आपको मैंने वैसे भी बताया ना प्रोजेक्ट लाइन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन अभी स्टार्ट हो रहा है हम लोग वही कोशिश करेंगे कि जैसे हमारा प्रोजेक्ट टाइगर जो था इतना सक्सेसफुल था वैसे ही हमारा प्रोजेक्ट लायन और हमारा प्रोजेक्ट टाइगर डॉल्फिन जो है वो भी उतना सक्सेसफुल रहा है ठीक है अब जैसे हमारे यहाँ पे चीता इतने वाइडली एग्जिस्ट करते थे पहले वैसे ही आप देखोगे हमारे यहाँ पे लायंस भी पहले बहुत एग्जिस्ट करते थे लेकिन भाई है शिकार करो शिकारी बनो एक्सटेंसिव हंटिंग करो और उसके बाद आप देखोगे ये एक्सटिंक्ट हो गए अब जैसे हमारे यहाँ पे दो टाइप के चीता एग्जिस्ट करते हैं एशियाटिक और अफ्रिकन वैसे आप देखोगे लायंस भी दो टाइप के हैं एक तो एशियाटिक है और एक आप देखोगे अफ्रीकन लायंस है ठीक है एशियाटिक लायंस याद रखना वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं ये और एंडेंजन कैटेगरी में आते हैं बेसिकली और ये याद रखना आपके क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में गिर जो गुजरात में एक रीजन है वहां आपको देखने को मिलते हैं ठीक है प्रोजेक्ट लाइन का बेसिकली एम यही रहेगा मैंने बताया ना एशियाटिक लाइन को कंजर्व करो उसके लैंडस्केप को कंजर्व करो कोई ढूंढो जहां को शिफ्ट कर सकते हो अब देखो इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है एक्चुअली हुआ क्या था कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस आपने अगर इसका नाम सुना हो तो ये बेसिकली जो आपके स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं जो नेशनल पार्क ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमते हैं उनको ये वायरस हो गया था ठीक है और उसके बाद

आईक्यू uh, एयर जो होता है वो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट देता है फिर आपका लैंड uh, सेट जो होता है वो आपका uh, जो डिजीज बर्डन वाली रिपोर्ट होता है वो देता है ठीक है फिर आपका हाँ मतलब ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना है हमें ठीक है ये दोनों था मेजरली आपका आई क्यू एयर जो होता है वर्ल्ड का एयर क्वालिटी रिपोर्ट देता है और आपका वो डिजीज और बर्डन इनिशिएटिव वाला जो रिपोर्ट होता है वो बेसिकली आपका लैंड देता है ठीक है अब अगर मैं आपसे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करूं तो आप ही बोलोगे कि मैम ये तो पूरे वर्ल्ड की क्वालिटी की बात कर रहा है एयर क्वालिटी की तो उसमें मैथेक्टली कहां से आ गई देखो पॉइंट ये है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो होता है उसमें आप है ना क्या एयर क्वालिटी को मेजर करते हो लेकिन यहाँ पे टू जो पी एम नहीं होता जिस बेसिकली पार्टिकल्स इनका डायमीटर टू माइक्रोन से कम होता है तो वो पार्टिकल्स का आप कॉन्सेंट्रेशन देखते हो वो कितना पॉल्यूशन कर रहे हैं आप वो देखने की कोशिश करते हो आपको हैरानी होगी ये जान के ऑल वर्ल्ड की जो <laughs> सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है वो तो ऑब्वियसली होट इन चाइना है लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर पे हम फोर्ड रहे हैं एकदम गाजियाबाद आ जाएगा यूपी का ठीक है इनफैक्ट ट्वेंटी टू सिटीज में से ट्वेंटी सिटीज तो इंडिया की हैं जिसमें से आप देखोगे कि अपने जो जय ये है भिवाड़ी ये देख रहे हो यहाँ पे भिवाड़ी जो अलवर के पास एक इंडस्ट्रियल टाउन है ठीक है काफी फेमस भी है भिवाड़ी आप देखोगे बहुत आगे आया है इस बार टू पॉइंट फाइव के पोल्यूशन में ठीक है तो ये हमें याद रखने की जरूरत है फिर आप देखोगे आपने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है ये लॉन्च किया है आपके वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक का जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है उन्होंने और आपका जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने आप देखोगे साथ में मिलके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट ठीक है तो ये ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है क्या बेसिकली ग्रीन एग्रीकल्चर नाम से समझ में आ रहा होगा एग्रीकल्चर जो है उसको और ग्रीन उसको और सस्टेनेबल उसको लेस पॉल्यूटिंग उसको आप देखोगे मोर अकोमोडेटिंग बनाने की जरूरत है तो इसके अंदर आपने क्या करा है पांच लैंडस्केप्स चूज करे हैं समझ में आ रहा है आपको जैसे आपने राजस्थान से डेजर्ट नेशनल पार्क लिया है मिजोरम से दम्पा टा, टाइगर रिजर्व लिया है झारखंड से आई थिंक पलामाओ लिया है तो ऐसे करके आपने क्या करा है कि पांच लैंडस्केप चुने हैं जिसके अंदर आप देखोगे कि ये प्रोजेक्ट आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा फाओ यू ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो होता है उससे आपको पैसे भी मिलेंगे एक्सपर्टीज भी मिलेगा अल्टीमेट आइडिया ये है कि हमें एग्रीकल्चर को सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाना है उससे होने वाले मिशन को कम करना है वहां से हमें बायोडाइवर्सिटी वगैरह को भी प्रिजर्व करना है समझ में आ रहा है आपको तो ये सारी चीजें आप देखोगे ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट क्या

तो ये एक एक्ट एग्जिस्ट आपने बेसिकली एक एक एक्ट एक्ट एग्जिस्ट करता है प्रिवेंशन ऑफ क्रिटी टू एनिमल्स एक्ट जिसके अंदर तो आप एनिमल्स के साथ होने वाली क्रवालिटी को रोकने की कोशिश करते हो और इसी एक्ट के तहत ठीक है आपने एक इंस्टीट्यूट बनाया है एल्फेयर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ठीक है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो था ये याद रखना कि पहले चेन्नई में था अब आप देखोगे इसका हेडक्वार्टर जो है वो बल्लभगढ़ हरियाणा में शिफ्ट हो गया है तो ये इजीली पूछा जा सकता है ठीक है अब इसी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या करा है अभी अवार्ड आप देखोगे नोटिफाई करे हैं एक है आपका जीव दया अवार्ड जीव दया अवार्ड और एक हो जाएगा आपका प्राणी मित्र अवार्ड ठीक है और क्योंकि ये अवार्ड जो होंगे राजस्थान में से किसी को मिले होंगे इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखोगे प्राणी मित्र अवार्ड जो है वो एक मनीष सक्सेना जी जयपुर के और श्याम लाल चौबे जी आपके उदयपुर के 24 जी हैं तो उनको दिया जाएगा फिर आप देखोगे जीव दया अवार्ड जो होता है वो आपका ये जो एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उदयपुर में उसको दिया गया है आपको ये सब नाम याद नहीं होने चाहिए बस आपको ये बताना चाहिए कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं बल्कि किसके अंदर बनाया गया है प्रिवेंशन ऑफ क्वालिटी टू एनिमल्स एक्ट नाइनटीन ठीक है फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बर्ड स्पीशीज की तरफ जो है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ठीक है अब देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको हम लोग राजस्थानी भाषा में गुड़ावन भी बोलते हैं ये हमारी स्टेट बर्ड है राजस्थान की ठीक है ये याद रखना सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि गुजरात आपका एमपी महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्रा ये सब रीजन में मिलती है इनफैक्ट आप देखोगे अक्रॉस द वार्टर पाकिस्तान में भी आपको देखने को मिल जाती है ठीक है तो ये जो ग्रेट पहले देखने को मिलती थी पाकिस्तान में पाकिस्तान में है नहीं वहाँ पे हंटिंग कर करके कर, कर करके आप देखोगे सीन खराब कर दिया है इनफैक्ट आप देखोगे इंडिया में भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एंडेंजर स्पीशीज हैं क्यों लेस देन वन फिफ्टी इंडिविजुअल्स आपको मिलेंगे आ, मतलब सिर्फ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ठीक है अब आप देखोगे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने रिसेंटली सुना होगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ रीजन आप देखोगे इनकी हत्या हो रही है डेथ हो रही है या जो भी है अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्या हो रहा है एक तो आप देखोगे कि आप है ना कैनाल्स वगैरह पास करके स्क्रब लैंड को डेजर्ट लैंड्स को आप ग्रीन एग्रीकल्चर लच ग्रीन फील्ड में कन्वर्ट कर रहे हो जबकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को आप स्क्रब लैंड और डेजर्ट लैंड वगैरह काफ़ी पसंद आते हैं ठीक है तो एग्रीकल्चर फील्ड में कन्वर्ट करोगे तो जी आई भी वहां से भाग जाएगी ठीक है गी भी वहां से भाग जाएगी फिर आप देखोगे वैसे ही आप का आ, जो क्या कहते हैं का वो जो कम हो रहा है उनका पॉपुलेशन एक तो ये टकरा जाती है डॉग वगैरह से जो उनके अन्य के भाग जाते हैं तो वो सबके वजह से एक आप देखोगे आपके जो कंटिन्यूस रिन्यूबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं विंड के और सोलर पावर के ठीक है तो उसमें क्या होता है हो हो आप लाल लाच लगाओगे विंड टर्बाइन वगैरह चलाओगे उनसे कनेक्ट आप देखोगे पावर को कनेक्ट करोगे जिस जिस लाइन्स जो होती है वो हाइपर और हायर आप सॉरी हाइपर टेंशन हायर टेंशन वाली लाइन्स होती है जिस वजह से आप देखोगे अगर वो टकरा गई गिबी तो मर जाएगी तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है ठीक है आप देखोगे साइंटिफिकली मैनेज हैचरीज वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे इसके अलावा भी इनफैक्ट आप देखोगे जो अपने ओवरग्राउंड जो टेलीफोन वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती है उसमें तो जैसे भी आप देखोगे ग्रीन इंडियन बस्टर्ड जो होती है उनके मृत्यु हो जाती है तो अब आप इसको कंट्रोल कैसे करोगे ग्रीट इंडियन बस्टर्ड की जो आप देखोगे जो हार्मफुल चीज़ों की वजह से उनका डेथ हो रहा है तो सबसे पहले तो आप देखोगे ऑब्वियसली आप जो होगा ये क्या कहते हैं आप क्या करोगे ऐसा देखो आप कोशिश करोगे कि रीनवल एनर्जी प्रोजेक्ट्स तो आए लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के एकदम कोर एरियाज में ना आए ठीक है फिर दूसरा चीज ये हो जाएगा कि आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसके साथ हम ऐसा कुछ कर दें कि मोस्ट ऑफ द वायर्स जो है हम अंडरग्राउंड डालने की कोशिश करें स्टेट ऑफ वगैरह को वहां से दूर रखने की कोशिश करें इसके अलावा आप देखोगे की हम क्या कर सकते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वापस से आप देखोगे ब्रीड वगैरह करवाने के लिए प्रॉपर सेंटर्स बनाए जा सकते हैं ठीक है इसके अलावा और क्या हो सकता है हाँ आपके फायर फ्लाई डाइवर्टर्स या आगे, आगे होगा भी हाँ करेक्ट है ये देख लो तो एक तो आप देखोगे एनजीटी ने ऑर्डर दिया था कि प्लीज अपने पावर लाइंस को अंडरग्राउंड शिफ्ट करो क्योंकि बहुत सारे ग्रेट इंड मस्टर्स का डेथ हो रहा है ठीक है और इसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए जजमेंट को आप देखोगे कि आपकी जो आ, क्या कहते हैं फायर एक नया कॉन्सेप्ट आया है फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स का बेसिकली है क्या सपोज करो ये गुडावन है ठीक है ये आपका गिबी है ओके ओके okay. और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये कोई वायर है टेलीफोन को कनेक्ट करने वाली ठीक है अब इस पर आपने क्या करा ऐसे चमकने वाले जुगनू होते हैं ना देखो फायर फ्लाइज क्या होती हैं जुगनूस होती हैं तो आप बेसिकली सॉर्ट sort ऑफ of, ऐसा बोल सकते हो कि आप अपने जो पावर लाइंस हैं ना उसके ऊपर आप ऐसे जुगनू जैसी कोई चीज़ बैठा रहे हो जो पूरी रात आप देखोगे रिफ्लेक्ट करेगी और प्रॉपरली लाइट वगैरह पहुँचाएगी तो इससे क्या होगा कि ग्रेट इंडन बस्टर्ड इसको 50 मीटर पहले से आइडेंटिफाई कर लेगी और अपना पाथ चेंज कर लेगी तो इससे टकराएंगे नहीं वो हाई पावर टेंशन लाइन से ठीक है तो ये फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर जो है ये ओवर जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन वगैरह वा की वायरस होती है उसके ऊपर लगाया जाएगा ताकि अपना जा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो उससे भिड़े ना ठीक है उनकी पॉपुलेशन और कम ना हो समझ में आ गया आपको तो ये आप देखोगे आ, किया गया है एज फार एस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इस कंसर्न अब याद हाँ रखना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बस्टर्ड स्पीशीज है जैसे आपका लेसर फ्लोरिकन हो जाएगा फ्लोरिकन स्पीशीज है सारी बस्टर्ड स्पीशीज होती है ठीक है अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में खास बात ये क्या है कि ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है अब आप बोलोगे नहीं मैम ये जो ईमू वगैरह होते हैं ऑस्ट्रेलिया के वो फ्लाई नहीं करते अरे भाई इतने हैवी है वो फ्लाई क्या करते हैं मैं तो आपको बोल रही हूँ कि हेवियस्ट बर्ड जो फ्लाई कर सकती है वो है आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ठीक है तो ये अगर आप देखोगे ना तो आपको ऑस्ट्रिच जैसा एक्सपीरियंस मतलब ऑस्ट्रिच जैसा देखने में दिखता है ये लेकिन आप देखोगे वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है ये मैंने बोला ना आपको हैवी है लेकिन फ्लाइंग बर्ड भी है आपका इमू जो आपकी धूम में नहीं रखा रहता है वो आप देखोगे उड़ नहीं पाता है लेकिन ये उड़ जाएगा ठीक है फिर आप देखोगे एक्चुअली हमारे यहाँ पे बहुत सारी क्रेन स्पीशीज़ आती हैं तो आपको होगा कि भरतपुर में केला देवी में स्पेसिफिकली आप देखोगे जहाँ पे विंटर्स पड़ते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पे विजिट करती हैं अब हुआ क्या है रिसेंटली आपने एक क्रेन जो स्पीशीज होती है जो सिर्फ आप देखोगे जनरली आपने मंगोलिया और वो वाले रीजन में देखने को मिली है तो वो आप देखोगे आपके पास आ, क्या कहते हैं आपने उसको टैग किया था आपने उसकी पूरी जर्नी को चेक किया तो आपको पता लगा कि वो चार हजार किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है डेढ़ सौ दिनों में ठीक है एंड हफ्ते इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लॉन्गेस्ट आप देखोगे रिकॉर्ड uh, हो जाएगा किसी भी बर्ड का कि उसने एक साथ इतना सारा डिस्टेंस उसने कवर किया है ठीक है एंड इस देखो आप मुझे बात बताओ कि रैंडमली आप क्यों डिसाइड करोगे कि भाई आपको यही पर्टिकुलर स्पीशीज है बर्ड की जिसको मतलब जिसको आपको टैग करना है या जो भी है तो आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है थाउजेंड क्रेन प्रोजेक्ट ठीक है जिसके अंदर आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज बहुत सारे स्टेक होल्डर्स बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग प्राइवेट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आइडिया यही है कि हमें बेसिकली तो सर्वे स्टाब्लिश करना है काउंट करना है कि कितने आप देखोगे कि क्रेन स्पीशीज वगैरह हैं उनके रेस्टिंग साइज क्या है सॉरी उनके वो जो तो होते हैं आपके हैचरीज अगर होते हैं वो कहाँ पे रेस्टिंग साइट कहाँ पे है ठीक है तो वो सारी चीजें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी ठीक है अब वैसे ही आप देखोगे एक और स्पीशीज है जिसका नाम है मेलेनिस्टिक लिटिल एग्रिट ठीक है जिसको हम बोलते हैं एग्रिटा एग्रिटा गर्जेटा ठीक है एगरिटा, एगरिटा तो ये आप देखोगे अः नहीं रहो कितनी मतलब अजीब सी सी थोड़ी से दिख रही है कि भाई पूरी बॉडी ब्लैक एकदम से येलो तो ये ब्लैक कलर की होती नहीं है ये हो गई है बिकॉज इसमें जो पिगमेंट होता वो कम है देखो मेलेन जो होता है आपकी स्किन को डार्क बनाता है ठीक है तो आप देखोगे अगर वो कम होता है तो ऑब्वियसली मतलब सॉरी आपका जो मेलेनिस्टिक हो जाएगा अगर मैं हाँ मेलेनिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे उसका नॉर्मल हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे देखो अगर मेलेनिन बढ़ेगा तो आपका डार्क पिगमेंट बढ़ता है ठीक है और अगर आपका मेलेनिन कम होता है तो आपका डार्क पिगमेंट कम होता है तो मेलेनिस्टिक लि लिट का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसी कोई बर्ड जिसमें मेलेनिन कॉन्फिडेंस ज्यादा है इसलिए वो डार्क दिख रही है ठीक है फिर अब आप चलोगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो है आपका रेनफॉल डेफिसिट के बारे में देखो इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं बट इतना याद रखना कि ऑब्वियसली जो हमारा लास्ट ईयर रेनफॉल हुआ था अगर उससे हमारा 10 परसेंट कम होता है रेनफॉल ठीक है बिलो 10 परसेंट ऑफ एवरेज जो होता है नॉट जस्ट हाइएस्ट एंड लोएस्ट बट एवरेज का दस परसेंट से भी अगर कम बारिश होता है तो हम देख रहे हैं उसको बोलते हैं आप डेफिसिट रेनफॉल और लास्ट ईयर आप देखोगे कम रेनफॉल हुई थी और बड़ी अचंभित वाली स्थिति थी क्योंकि बारान हो जाएगा कोटा बरान तो आपको बताइए कि ये रीजन काफी फेमस है क्या कहते हैं बारिश वगैरह के लिए तो यहाँ पे आप देखोगे भर भर के बारिश

Uh, मतलब सैंडवल uh, है वहाँ पे ठीक है अब ये सैंडवल देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी के पर्पज से काफी डेंजरस है क्यों आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी ना कि जब ऐसे सेंड्यून वगैरह होते हैं तो वहाँ पे क्या करते है? टेर, आ, हैं जैसे ये होती जो बाहर से कोई लोग इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं वो ऐसे आप देखोगे सेंड्यून के अंदर छुप जाते हैं तो वही प्रॉब्लम है यहाँ पे एक्चुअली शिफ्टिंग सेंड्यून क्या होते हैं कई बार आपके बॉर्डर के एरिया को ढक देंगे कई बार आपकी विजिबिलिटी कम कर देंगे कई बार कोई डस्टॉम आ जाएगा तो पूरा का पूरा आप देखोगे मतलब पहले सेंड्यून था अब आप देखोगे पूरा फ्लैट एरिया हो जाएगा समझ में आ रहा है आपकी फेंसिंग की जो वायर होती है उसको भी डिस्टर्ब कर सकते हैं तो बी जो था वो था

फिर आप देखोगे आपका आता है नेक्स्ट आर्टिकल जो बात कर रहा है कि कैसे हाई कोर्ट ने जो अपना हाई कोर्ट है राजस्थान का ठीक है उसने बेसिकली डायरेक्ट किया था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सारे लेक्स के कंजर्वेशन के बारे में कुछ कर करें और उनका पहले सर्वे लें देखें उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ठीक है आइडेंटिफाई करें और फिर आप देखोगे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की और भी स्कीम्स चल रहे हैं एक्वेटिको सिस्टम के अक्वेटिक बेसिकली इको सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तो उसके तहत भी आप देखोगे थोड़े से पैसे स्टेट को दिए जा सकते हैं ओके अब हम चलते हैं बिल्कुल लास्ट स्लाइड्स है हमारे आप देखोगे इस पर्टिकुलर वीडियो की तो एक तो है ये राजस्थान की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तो थोड़ी बहुत ये यहाँ पे ज्यादा नहीं है तो ये आप देख सकते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि सरस का जो है वो देखो अलवर के आसपास आ जाएगा ठीक है भरतपुर यहाँ पे है कैला देवी यहाँ पे है रंथमपुर रहा आपका फिर राम सागर आपका दारा कोटा के आसपास फिर माउंट आबू से रूही फिर कुंभलगढ़ यहाँ पे हो जाएगा गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना जोधपुर में है और ताल छप्पर आपका चुरू वाला एरिया ठीक है तो ये तो बेसिक बेसिक कुछ बता दिया लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं ठीक है अब हम चलेंगे अपने लेक्स के ऊपर देखो याद रखना कि राजस्थान में आपको बहुत ही सॉल्टी लेक्स लाइक आपका डीदवाना हो गया या आपका सांबर लेक हो गया वो सब भी मिल जाएगा और याद रखना कि राजस्थान में आपको स्वीट वाटर लेक्स जो आपके खारा पानी नहीं बल्कि जो मीठा पानी होता है वैसे वाले लेक्स भी मिल जाएंगे स्पेसिफिकली अगर कोई लेक जो है वो रिवर्स के रिवर का आपको तो ये मतलब आप देखोगे कि आउटलेट है या रिवर का बेसन है या फिर रिवर से कनेक्टेड होता है ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे लेक्स है जैसे दीदवाना हो गया आपका दिगाना हो गया फिर आपका यहाँ पे कोवड़ हो गया जैसलमेर वाला ठीक है आपका पंचपद्रा बाड़मेर वाला ठीक है फिर आपका पोखरा गया जोधपुर वाला जोधपुर और जैसलमेर वाला ठीक है फिर आपका फलौदी हो गया यहाँ पे फिर वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे लेक्स देखने को मिल जाएंगे आपको स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे उदयपुर साइड में तो आपको बहुत सारे आर्टिफिशियली आर्टिफिशलींट्रक्टेड लेक्स भी मिल जाएंगे फतेह सागर उदय सागर ये सारी चीजें ठीक है

सर्टन से न्यूज में होंगे या कुछ तो हुआ होगा तो नक्की लेक कहाँ पे आपका सिरोही के आसपास माउंट आबू के आसपास यहाँ तो जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि गांधी जी की शायद अस्थियां भी भाई गई थी ठीक है फिर आप देखोगे अल्फर में सिली हो जाएगा अजमेर में आपका आ... अन्ना सागर तो हमने देख लिया फैसागर बीसल साल भी सार हो जाएगा ठीक है फिर उदयपुर में तो वही फतेह सागर जैसमुंद पिचोला ये सारी चीजें तो हमें पता है ठीक है जैसलमेर में आपका कबूर लेक गड़ीसर लेक मैंने दिखाया ना आपको यहाँ पे कबूर और गड़ीसर ठीक है वो आपके जैसलमेर में आ जाएगा ठीक है जोध समुद्र जोधपुर में हमने देखा था अभी फलौड़ी ठीक है फलौड़ी हो गया आपका कायलाना हो गया उम्मेद सागर तो बताने की जरूरत है क्या ठीक है तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा फिर बीकानेर में तो आपने देख ही लिया था गजनेर और कुलायत यहाँ पे था ठीक है तो ये हो जाएगा फिर बूंदी में आपका कनक सागर सीकर में आपका वरेवाज मैंने याद कर रखा था बाकी दूसरा तो समझ में आ जाएगा ठीक है फिर आपका डूंगरपुर अगर आप देखोगे तो गैप सागर फिर तो आपका नगौर हो जाएगा उसमें खालदा शुरू में थाल जब मैंने आपको पहले बता दिया जयपुर में आपका सांबर ठीक है तो ये आप देखो इसको याद करने का ना कोई तरीका नहीं है बस मैं आपकी मेमोरी पे थोड़ा सा विश्वास करूँ और ये सोचो कि अगर आपने तीन बार देख लिया एक बार भी स्लाइड तो आपको सब चीजें याद हो जाएंगी ठीक है तो दोबारा दोबारा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बस यही था हमारा शॉर्ट एंड स्वीट एनवायरमेंट का टॉपिक देखो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं मोस्टली आपका कंसेप्चुअल टॉपिक था तो मैंने आपको चीता वाला एग्जाम्पल बता दिया लेपर्ड का बता दिया सर्वे कब करते हैं वो बता दिया री इंट्रोडक्शन लाइन और चीता का कहाँ होने वाला है ठीक है और लाइन याद रखना एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है वलनरेबल में नहीं आता और टाइगर भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है लेपर्ड वलरेबल कैटेगरी में आते हैं क्लाउडेड uh, लेपर्ड भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है ठीक है इसके अलावा आप देखोगे स्नो लेपर्ड जो होता है वो पहले एंडेंजर था फिर आप देखोगे आप वनरेबल कैटेगरी में आता है लिख लिख क्या एक बार ये लिख लो आप अपनी कॉपीज़ में देखो पहले टाइगर लिखो ठीक है लायन लिखो एंड लेपर्ड लिखो वल्लरेबल ठीक है क्लाउडेड लेपर्ड एंड फिर आपका स्नो लेपर्ड पहले एंड था अब वल्लरेबल ठीक है और क्या बचा आपका सोच लो सोच लो आ, टाइगर लेपर्ड लायन और क्या था मोस्टली तो यही चीजें आपके देखोगे काम की आती हैं तो ये मैंने आपको बता दिया इनका आयोसि स्टेटस क्या है और एलिफेंट हमारे यहाँ मिलते नहीं है तो हम थोड़ा बच गए उसके लिए ठीक है आ इसके अलावा और क्या आएगा देखो मैंने आपको रिपोर्ट के बारे में बता दिया लेपर्ड का स्टैटिस्टिक्स बता दिया टाइगर का स्टैटिस्टिक्स बता दिया ठीक है तो बस यही सब चीजें हैं एक आपकी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है एक दो में आया था दो हजार में आ जाएगा अभी तक आया नहीं है लेकिन याद रखना इसके हिसाब से भी आप थोड़ा सा अपना मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपको अलग से चाहिए कि हम थोड़ा सा वीडियो बना देंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पर तो जरूर बताइएगा हम उसको पक्का पक्का कोशिश करेंगे आर एस फिल्म के पहले लाने का ठीक है इसमें से आप याद रखना है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको नेशनल लेवल

जूलीफोरा स्पीशीज होती है वो हो जाएगा ठीक है तो बहुत सारे आप इसमें वो बता रखे हैं कि कौन कौन से पेड़ उगते हैं ठीक है तो ये सब आपको पता होना चाहिए इसमें मतलब अब या तो आप बोल दो हम बना देंगे एक वीडियो और नहीं तो अगर आपके पास ऑलरेडी रिटर्न कंटेंट है तो क्योंकि देखो दो में रिपोर्ट आई थी ठीक है अब दो चल रहा है अब नई रिपोर्ट आने वाली है तो इसलिए अगर आप चाहते हो एग्जाम से पहले हम रिपोर्ट वीडियो बनाएंगे वीडियो बनाए तो हम बनाएंगे अदरवाइज अगर आपके पास ऑलरेडी रिटर्न कंटेंट है क्योंकि दो में ही आ गया था तो इसलिए हमने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया ठीक है तो इसी के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे अब तक के लिए थैंक यू